शक्ति राधा कृष्ण मंदिर में भव्य झांकियों के बीच बप्पा को दी विदाई। बताते चले शहर में जगह जगह पंडालों और मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ साथ रात्रि में सुंदर झांकियों के दर्शन किए और अब विसर्जन यात्राएं भी शुरू हुई। आपको बता दें मुरादाबाद में लाइन पार प्रेमनगर स्थित शिव शक्ति राधा कृष्ण मंदिर में 5 दिवसीय कार्यक्रम के पश्चात बुधवार को भगवान गणेश को विदाई दी गई। इसके पश्चात श्रद्धालु भगवान गणेश के भजनों पर डीजे के साथ नाचते झूमते रामगंगा नदी के तट पर पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा की गई। तत्पश्चात फिर अगले बरस की पुनः स्थापना की कामना के साथ श्री गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान राजेश सक्सेना, शिवम सक्सेना, शिलेंद्र यादव, हैप्पी यादव, दीपक पाल, विकास त्रिवेदी, सचिन गुप्ता, गुंजन चौधरी आदि भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। उसके विषय में ये कहना चाहूँगा मैं राजेश सक्सेना, प्रेमनगर लाइन पार्क, शिव शक्ति राधा कृष्ण मंदिर से। ये हमारा गणपति का जो महोत्सव जो चल रहा है ये 11 वर्ष की भांति से शुरू हुआ है और हमारी यही आगे व्यवस्था है कि हम आगे ऐसे ऐसी बनता रहे। जब तक मैं हूँ जब तक मैं चाहे कोशिश करूँगा, मेरे बाद ये बच्चों से मेरी कोशिश ये रहेगी ये लोग इसको महान पुरुषता के साथ बनाते करते रहें। क्या मैसेज देना चाहूँगा कि सब बच्चों को, सभी लोगों के लिए, हमारा ये परिवार गली नहीं है, हमारा मेरा खुद का अपना सबका परिवार है। ऐसा परिवार भगवान ऐसे ही बना रहे, सबके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी सब ऐसी तरक्की करें, सबके घरों दौलत है घरपुर, सबकी शिव शक्ति बाबा की ऐसी कृपा रहने, सब हर से पुत्र घोलते सब बनते रहे। यही मेरी इच्छा है। सभी जब तक मेरे शरीर में एक भी खून है, जब तक मेरा शरीर है, जब तक ऐसी प्रेम मदर है, मेरे बाद मेरे बच्चे भी ऐसी खुशी मनाते रहे। ये मेरी सपना। ये 11 वर्ष से शनिवार 7 तक शुरू हुआ, आज हम सुबह हवन हुआ, फिर भंडारा हुआ, अभी सब विसर्जन के लिए जा रहे हैं बाबा की प्रतिभा के लिए।